नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में दोहरे कांड का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। दरअसल पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में बीते 2022 में अपराधियों ने दो युवकों को एक साथ गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन इसमें शामिल एक सरगना काफ़ी दिनों से, लगभग 1 साल से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में लगातार पटना पुलिस लगी हुई थी। और वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पटना के पूर्वी SP ने बताया है कि इस मामले में संलिप्त मुख्य फरार सरगना सेठिया को भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए सीधे सुन बातें इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्वी SP संदीप कुमार सिंह। 2022 में सितंबर में बाईपास थाना क्षेत्र में एक दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें दो व्यक्तियों की गोली हत्या कर दी गई थी। एक था सौरभ अभिनंदन, दूसरा था चंदन कुमार। तो तब से जो है पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही थी। इसमें ऑलरेडी 7 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका था, लेकिन जो मेन सरगना था इनका, बड़े सरकार उर्फ सेठिया उर्फ संदीप कुमार, तो ये जो व्यक्ति था ये 1 साल से पुलिस को चकमा दे के इधर उधर जो है छुपता फिर रहा था। तो ये वाले जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं या हीनेस क्राइम वाले, उसके लिए स्पेशल एक टीम बनाई गई थी, जिसका डे टू डे अनुश्रवण जो है सहायक पुलिस अधीक्षक पटना सिटी के द्वारा किया जा रहा था। तो इसको अगमकुआं थाना क्षेत्र से इसको इसके साथियों के साथ पकड़ा गया है। ये व्यक्ति जो है बड़े सरकार, जिसका नाम संदीप कुमार और सेठिया है, ये अपने तीन साथियों के साथ, एक का नाम युधिष्ठिर महतो है, दूसरे का नाम सोनू कुमार है और तीसरे का नाम राहुल कुमार उर्फ छोटू है। ये चारों मिलके कोई बड़ा घटना को जो है कारित करने का जो प्लानिंग कर रहे थे, उसी क्रम में जो है इनकी प्लानिंग को विफल पुलिस के द्वारा किया गया है। ये पूरे प्रकरण में इनके पास से देसी पिस्तौल 1, देसी कट्टा 2, 8 जिंदा गोली, 1 अतिरिक्त पुलिस का पिस्टल का मैगजीन और मोबाइल 1 पुलिस के द्वारा जो है सीज इनसे किया गया है। तो कुल मिला के इसमें 4 गिरफ्तारी है, हथियार की बरामदगी है, एक बड़ी घटना होने से पुलिस के द्वारा जो है उसको विफल किया गया है, और एक क्रिमिनल जो ऑलरेडी डबल मर्डर केस में, और इसके अलावा भी इसके ऊपर और भी केस हैं, इसके ऊपर कुल मिला के 7 केस हैं और सारे ही सारे संगीन केस हैं। इनमें से 352 भादवी धारा वाले, आर्म्स एक्ट की धाराएं, मर्डर केस और अन्य ऐसे ही बड़े बड़े अपराध इसके ऊपर दर्ज हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पुलिस की कार्रवाई एक संगठित या जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर जो की जा रही है, ये उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट है। कुछ तरह से इन्होंने क्या बताया है इनकी गैंग में और कितने लोग हैं और इसके सरगना कौन है? सरगना यही है जो संदीप कुमार है, यही सरगना है। पहले जो है इसके गैंग में जो इसके साथी थे, ये मंतोष, गणेश, चिकू, आशीष पांडे, टिक टिक उर्फ विक्की, राहुल मोड़, ये सारे व्यक्ति इसके साथ रहे हैं। इनमें से ये जो 6-7 नाम हैं, इन व्यक्तियों को जो है अलग अलग केसों में पुलिस के द्वारा पहले भी जेल भेजा गया है, हाल ही में 1-2 बंदे छूटे भी हैं जेल से, उनके ऊपर भी पुलिस जो है नज़र अपनी गड़ाई हुई है। बाकी इनके जो 3 साथी और हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, अन्य इनके साथी हैं या जो भी होगा उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2022 में जो हत्या हुई थी जी, पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया जा रहा है कि जो सौरभ अभिनंदन था, जिसको इसने 2022 में हत्या की थी, उसका इसके साथ आपसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। जो इसके द्वारा बताया गया है कि इसके ऊपर सौरभ अभिनंदन उर्फ गोलू ने एक अटेम्प्ट लिया था इसको मारने का, तो उसी के जो है वर्चस्व को लेके, उसी का बदला लेके ये इसको हत्या करवाया था। नहीं, इसके बारे में बताया गया है, हम लोग इसके फैक्ट्स को वेरीफाई करेंगे। सर कारण क्या था? कारण जो बताया जा रहा है पहले दोनों की, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पटना में 2022 में इस घटना को, दोहरे हत्याकांड की घटना को अंजाम देकर पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, जिसके बाद पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस घटना में फरार चल रहे 1 साल से अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं अगर बात करें तो इस मामले में साफ तौर पर बताया गया है कि घटना को अंजाम देने से पहले
कहीं ना कहीं इन चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जिसके पूछताछ में इस दोहरे हत्याकांड के मामले का पूरा खुलासा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने चार अपराधियों के साथ साथ लगभग 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस के साथ एक मैगजीन को भी बरामद किया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।